हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देश को संबोधित करने के दौरान देश को लॉकडाउन करने का पीएम मोदी द्वारा किए गए ऐलान के बाद से देश भर में अलग अलग शहरों की सीमाओं पर जहां फोर्स लगा दी गई है, तो वहीं लॉकडाउन का आह्वान के बाद से ही वो लोग पैदल ही अपने घर, गांव, शहरों के लिए वापस कूच करने लगे हैं। यूं तो यूपी बिहार के छोटे छोटे गांव के मूल निवासी हैं, मगर 2 जून की रोटी के लिए दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों में आए थे। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं बुलंदशहर के सिकंदराबाद सीमा और NH-91 की, जहां पैदल गुजरने वाले परेशान हाल लोगों पर प्रशासन एक वक्त के खाने का मरहम लगा रहा है। इतना ही नहीं, प्रशासन ऐसे लोगों को बस भी मुहैया करा रहा है। इसके अलावा आवश्यक वाहनों की मदद से उनको उनके स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र लोगों को सैनिटाइज करने के साथ साथ सामाजिक दूरी बनाने का भी ख्याल रखने की अपील की जा रही है। मैं गेटन रोडा दादरी से आया हूं और मैं एटा जा रहा हूं, और वहां से हम लोग पैदल आए हैं और जगह जगह में जो भी ई रिक्शा मिला उसके जरिए हम यहां तक पहुंचे अबूर चौराहे तक। और हमें यहां पर प्रशासन ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, खाने के लिए दिया हुआ है और काफ़ी अच्छी चीज़ें वो बता रहे हैं कि डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस बना के रखना, अवेयर कर रहे हैं लोगों को इस चीज़ को लेके। और बस भी फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं, वो जहाँ जो लोग जा रहा है उसके हिसाब से बसें अरेंज करा रहे हैं। ट्रेन नोएडा में हूँ और कासना में जॉब करती हूँ और यहाँ से मुझे मैनपुरी जाना है। कैसे आई आप यहाँ पर? पैदल चल गए। अब यहाँ बुलंद से पहुँची, क्या मदद पुलिस ने करी आपकी? पुलिस ने काफ़ी अच्छा प्रबंध कर रखा था, इन्होंने खाना प्रोवाइड करवाया। और देखिए, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा से परसों रात से कई हज़ार लोग यहाँ से क्रॉस किए हैं। कल सुबह मैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नोएडा, बुलंदशहर बॉर्डर पड़ता है सिकंदराबाद तहसील में, वहाँ कई सौ लोगों से मिला। ये भूड चौराहे पे हम लोग खड़े हैं। कल भी कई सौ लोगों को बस में बैठा के भेजा गया, अभी भी बस निकली है। लगभग अभी तक अनुमानित 150 से ज़्यादा, 150 से ज़्यादा लोगों को बस में बैठा कर अलीगढ़, बदायूं, उन्नाव, बनारस, कई ज़िलों में, एक दो लोग बिहार के भी मिले जो पैदल जा रहे थे, तो हम लोग बस में बैठा कर भेज रहे हैं, क्योंकि कोई उपाय नहीं है, लोग पैदल जा रहे हैं, खाना पीना नहीं है। अभी मैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मिलके लगभग हमें लगता है 300-400 लोगों को खाना बंटवाए, तो जिला प्रशासन की तरफ से जितना मैक्सिमम हो रहा है उतना स्टैंडर्ड लोगों को मदद कर रहे हैं। और यही अपील कर रहे हैं लोगों से कि अब चूंकि लॉकडाउन की स्थिति है तो घर में ही रहें, जो जहां काम कर रहे हैं वहीं रहें। इसके बावजूद भी जो लोग अपना काम का जगह छोड़ के दिल्ली से आ रहे हैं, उन्हें यहां रहने का जगह नहीं है, तो हम लोग जितना मैक्सिमम हेल्प हो पा रहा है उतना पहुँचा रहे हैं। बुलंदशहर DM रविंद्र कुमार और SSP संतोष कुमार सिंह द्वारा खुद बुलंदशहर की सभी सीमाओं पर जाकर परेशान हाल मुसाफिरों का हाल जाना गया। वहीं लॉकडाउन के मद्देनज़र भी प्रशासन लोगों को लगातार समझाने का प्रयास कर रहा है। SSP की ओर से दावा किया जा रहा है कि अगर कोई भी अनावश्यक घर से बाहर पाया गया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा जाएगा। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज़। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।